हम मानते हैं जी कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर उन गलतियों की सजा तो हम भुगत चुके हैं। अपनी बेटी को खोकर हाँ जोड़ता हूँ आपके साथ, अपनी बेटी को खोने के दर से गुजर रहे हैं हम, और वीरा, वीरा हमारी बच्ची की आखिरी निशानी है। देखो जी, आप लोग रब्दा वास्ता है, आप हमारी नजर से देखने की कोशिश कीजिए, वीरा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमने बहुत बुरा किया अपनी बेटी के साथ, यही हमारा प्रायश्चित है। जिससे वीरा दा खून दा रिश्ता था, जब वही इंसान नहीं रहा तो आप कैसे रख सकते हो वीरा को अपने साथ? जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, वो खून के रिश्ते से भी हजार गुना ज्यादा बेहतर होते हैं। आपको पता नहीं है, वीरा इस घर के एक एक सदस्य के साथ जुड़ी हुई है। आप अपना प्रायश्चित देख रहे हो, और हम अपना वीरा के साथ रिश्ता। पिछले 6 साल से इस घर का हिस्सा है, इस घर की जान है वो, और आप उसे ले जाने की बात कर रहे। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम लोगों पे क्या बीतेगी? मैं जानता हूं बेटा कि मुश्किल होगा, लेकिन आपके पास तो आपका बेटा है ना, आप उसका चेहरा देख के जी सकते हैं। हमारे पास कौन है? हमारी बेटी की आखिरी निशानी, बस यही एक सहारा है हमारा। देखिए साहब, इंसान के दो दो हाथ होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक हाथ काट के किसी और को दे दे। रणवी अपनी जगह, वीरा अपनी जगह, और आप उसे ले जाने की बात कैसे कर सकते? कोई हक नहीं है आप लोगों का वीरा पे। बहुत हुआ जी, इससे पहले कि मेरा माथा घूम जाए, आप जाओ यहाँ से। वीरा हमारी थी, हमारी है, आपको जो करना है कर लो। आप देखिए, आप ऐसा ना बोलिए। देखो जी, ये मेरा घर है, मैं कुछ भी बोलूं, आपको जो बोलना है अपने घर में जाकर बोलो। हुण अपना सामान उठाओ और चलते बनो यहाँ से, खेती करो। चलो ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अपनी बेटी की आखिरी निशानी को लेकर रहेंगे। सवाल ही नहीं उठता जी, और आप निकले बाहर, और दोबारा इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखेगा। जाइए। बड़े आए हक जताने के वास्ते, कैसे कैसे ले जा सकते हैं मेरी वीरा को? कोई हक नहीं बनता उनका। हक है चाय जी। उनका पूरा हक है वीरा को ले जाने का। नाना नानी है वो, इस नाते वो उसे ले जा सकते हैं। वो की गल कर रही है तू? कौन सा हक? काहे का हक? इतने सालों तक तो कहां थे, तब तो हक नहीं जताने आए? अरे इतनी सी थी, तब से मैं, तू और छोटा चंद पाल रहे उस बच्ची को, और तू कहती है कि ये दोनों मुंह उठाकर आएंगे और कहेंगे कि वीरा हमारी है और हम दे देंगे उनको। जी आपकी सारी बातें सही है, पर ये भी तो सही है कि वो उनकी नातिन है, उनके बेटी की बेटी, खून का रिश्ता है उनका। ले जा सकते हैं वो वीरा। सही है रतन पुत्र, सही कह रही है तू, पर तू तो चाहती नहीं थी शुरू से कि वीरा इस घर में रहे। पर
तेरा बस चलता ना तो उस बच्ची को तू अनाथ आश्रम से लेकर ही नहीं आती घर पे, वहीं छड़ के आ जाती उसको। जब कहां की बातें कहां ले जा रही है, मैं तो बस इतना कहना रतन, और क्या कहना चाहती है तू? मेरे को तो लगता है तेरे सीने में ना दिल नहीं है, पत्थर है पत्थर। अरे नालायक, एक बारी तो सोच लेती, ये सब कहने से पहले एक बारी तो सोच लेती कि अगर वीरा इस घर से चली गई तो तेरे पुत्र रणवीर का क्या होगा। चंगी तरह से जानती है ना तू, वीरा के अंदर छोटे जिन की जान बसती है, तेरे पुत्र की जान। तू सोच भी सकती है उसका हशर क्या होगा वीरा के बगैर, अगर वीरा यहाँ से चली गई तो। चाची जी, अब पहले मेरी बात सुन तो लीजिए। अरे क्या बचा है रतन सुनने को? बचा है चाची जी, बहुत कुछ बचा है जिसे आपको समझना है। चाची जी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि उनका हक बनता है वीरा को ले जाने का, ये नहीं कहा कि मैं वीरा नु भेजना चाहती हूँ। मैं भी जानती हूँ रणवीर वीरा बिना अधूरा है, पर चाची जी सवाल ये है कि अगर वो वीरा नु जबरदस्ती ले जाना चाहे तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? वीरा हमसे पहले उनकी है। मैं नहीं जानती सही क्या है और गलत क्या है, नहीं जानती मैं। वीरा रुके इसमें मेरा भी स्वार्थ है, पर क्या मेरा स्वार्थ काफी है वीरा को यहाँ रोकने के वास्ते? मैं जानती हूँ मैं वीरा से जुड़ी हुई नहीं हूँ, पर मैं उसकी दुश्मन भी नहीं। क्या मुझ में इतनी समझ नहीं है कि मैं अपने पुत्र की जान दांव पे लगा दूँ? नहीं चाय जी, इतनी बुरी नहीं हूं मैं। रखूंगी उनका मन पसंद नाम। वैसे अमृता बिल्कुल नहीं रखूंगी। बीजी कमरे में है ना, मैं जाती हूँ। फिर कुछ गलत किया? नहीं। तो फिर आपकी आंखों से पसीना क्यों आ रहा है? वीरा तू जा यहाँ से, मेरा मतलब मैंने कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। बीजी जाती हूँ, मैं तो आपको सिर्फ ये बोलने आई हूँ कि मेरी नई गुड़िया आ गई। आपको जब भी याद आए तो आप मेरी गुड़िया का नाम रख देना चंगा सा नाम, आपकी पसंद का। माफ करते पुत्र, ये अब क्या कर रही है? मैं
माँ कभी बच्चों के सामने हाथ नहीं जोड़ती, और आपको पूरा हक है आपको जो भी मन में आए वो बोलने का। की करा पुत्र, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। ये जब मुसीबत आकर सर पर खड़ी हो गई है, इसके साथ हम कैसे लड़ेंगे पुत्र? देखो जी, आप लोग ना परेशान ना हो, हो सकता है नाना नानी को एहसास हो जाए कि वो वीरा को अपने साथ ले जा नहीं सकते, मुमकिन नहीं है, और वो आगे कोई कदम ना उठाए। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि वीरा और रणवीर का रिश्ता इस तरह से जुड़ा हुआ है कि शायद ऊपर वाला भी उनके रिश्ते की इस गांठ को खोलने की ना सोचे। सब चंगा होगा जी, रब करे ऐसा ही हो। मैंने लगता है कि मैं बिल्कुल वीर जी जैसी हूँ। मैंने इसकी दो चोटियाँ बनाई, देखो एक छोटी छोटी और दूसरी बड़ी बन गई। मैंने लगता है कि मैं बड़ी होकर बिल्कुल वीर जी जैसी बनूंगी, मेरी भी मूंछें आएंगी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल पुत्र। सरपंच जी के घर पंचायत बैठी है, आप सबको बुलाया है। क्यों पुत्र, कोई जरूरी गल है क्या? पता नहीं चाहिए जी, मुझे तो कहाँ गए, आप सबको बुला लो। ठीक है, आप चलो हमारे। जी चंगा। देखिए जी, वहां पहुंचने से पहले हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हो सकता है जो हम सोच रहे हो वो बात ही ना हो। की सोच रहे हो निहाल कच्चू, कौन सी बात? कोई गल नहीं पुत्र, वो हम लोग है ना बलवंत राजी के जा रहे हैं, तू वीरा का ध्यान रख। वो तो आप बोलोगे नहीं, फिर भी मेरे वीर जी मेरा ख्याल रखते हैं। और हमेशा रखूंगा। गल बलवंत है, पंचायत क्यों बुलाई? ओ आप हो, कर से निकाल दिया तो इतने आ गए पंचायत के पास इंसाफ मांगने के वास्ते? आपको क्या लगता है कि आपकी बातें सुन लेगी पंचायत? कुछ भी कर लो, एक गल याद रखना, वीरा साढ़े पिंड दी कुड़ी है, और कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता कि वीरा को हमसे दूर ले जाए। समझ गए तुसी? जी तुसी शांत हो जाओ, बह जाओ, अब दे वास्ते बह जाओ। जय जी, देखो जी, ये हमारी पंचायत के पास फरियाद लेके आए हैं, तो न्याय के हिसाब से इन्हें इनकी बात कहने का एक मौका देना चाहिए। हाँ जी दस। देखिए जी, कहते हैं कि माँ बाप औलाद के लिए भगवान से बढ़कर होते हैं, लेकिन माँ बाप उन्हें आखिरी सांस तक माफ करते रहते हैं, लेकिन मैंने
मैंने ये गलती की, मैंने अपनी बच्ची को कभी माफ नहीं किया। और मुझसे ये पाप हुआ, मैंने अपनी बच्ची को कभी समझने की कोशिश नहीं की। आज जब इतने सालों बाद पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, और ये भी कि हमारी बच्ची अपनी आखिरी निशानी छोड़कर गई, हमें पता चला तो हमें उसकी बेटी की फिक्र हुई। हमारी बेटी के जाने के बाद हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था, लेकिन वीरा की वजह से हमें दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। बलवंते, जरा पूछना इनसे, इतने सालों में इनको अपनी बेटी की याद नहीं आई? हमें तो कुछ पता ही नहीं था, ये तो करतार सिंह मिला उस दिन पुलिस स्टेशन में, तब जाकर हमें पता चला कि वो बच्ची जिससे हम नाराज हुए बैठे हैं, वो तो कई साल पहले इस दुनिया से। बस जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप हमें हमारी दी की आखिरी निशानी, हमारे नातिन हमें दिलवा दीजिए। रतन जी, मैं एहसान मंद हूँ रतन जी का और उनके परिवार का, उन्होंने बिन माँ की बच्ची को पाल पोस के इतना बड़ा किया, इसलिए मैं तो पहले इनके घर गया था अपनी फरियाद लेकर, लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था इस पिंड की पंचायत का दरवाजा खटखटाने का। अब सरपंच जी, आप ही न्याय कीजिए। मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूं जी, पर यहां किस न्याय की बात हो रही? वो बच्ची उस घर में दूध पीती उम्र से है, उसका वहां पे ध्यान रखा जाता है, उस घर की जान है, उसको नाम मिला है उस घर से, पहचान मिली है, और जितना प्यार जितनी सुरक्षा उसे उस घर में मिलती है, और कहीं माफी चाहता हूं मैं आपकी बात काटने के लिए, लेकिन जिनकी बच्ची है वो अब इस दुनिया में नहीं है, और रतन जी जितना मर्जी कह ले वो इस घर में कहलाएगी तो सौतन की बेटी ही ना। रतन जी उसे वो प्यार कभी नहीं दे पाएंगी जो वो अपने बेटे को देती है। हम वीरा को सबसे ज्यादा प्यार देंगे। तो जी, कैसी गल्ला कर रहे हो तुसी? आप क्या पिंड में से कोई भी खड़ा होकर बता दे, ये साबित करके बता दे कि वीरा को सबसे ज्यादा सबसे बढ़कर प्यार कौन करता है? सिर्फ मेरा छोटा चल। मेरे छोटे चल से बढ़कर वीरा को प्यार कोई कर ही नहीं सकता। अगर कोई ये बात पिंड में साबित करके दिखा देना, रब दी सौ, ये पिंड छड़ के चली जाऊंगी मैं। चाय जी, तुसी गुस्सा ना करो, अब सब कट्ठे हुए हैं तो मिल बैठ के बात करते हैं ना। सरपंच जी, मैं चाहकर भी वीरा के साथ अपना रिश्ता बदल नहीं सकती, भले ही मैं उसके लिए सौतेली रही हूं, पर चाय जी का क्या, रणवीर का क्या, आप उनसे वीरा को कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं, वीरा को किसी को नहीं दिया जाएगा। मेरे पति रहे ना रहे, वीरा उसी घर में रहेगी मेरे रणवीर की बहन बनकर। मैं जानती हूं वीरा आपका खून है, पर किसी इंसान के चले जाने से उनकी जिम्मेदारियां तो नहीं चली जाती ना उनके साथ। वीरा उस घर में हम सबकी जिम्मेदारी है, उस घर का अहम हिस्सा है वो, और अच्छे से जिंदगी जी रही है ना वो वहां पर।
मैंने पंचायत के फैसले पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ आपको ये गलत फैसला नहीं लेंगे, पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए कि इस दुनिया में कोई भी इंसान, शायद वीरा के पापा जी भी, वीरा को इतना प्यार नहीं कर सकते जितना रणवीर ने किया है और करता रहेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।